नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बथुआ साग का भुजिया बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बथुआ साग बहुत ही हेल्दी होता है और उतना ही टेस्टी भी होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं बथुआ साग का भुजिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन्हें बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिए हैं। तो मैंने आधा केजी बथुआ साग लिए हैं और साग को अच्छी तरह से साफ करके तीन चार पानी से धो लिए हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही धूल मिट्टी होती है। 1 इंच अदरक टुकड़ा को कूट लिए हैं। 2 हरी मिर्च बीच से चीरा लगा कर काट लिए हैं। 5-7 कलिया लहसुन का काट लिए हैं। आधा छोटी चम्मच नमक, या अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़े चम्मच तेल। तो चलिए साग बनाते हैं। तो सबसे पहले गैस पर पैन रख लिए हैं, गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें तेल डाल लेते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें जीरा डालते हैं और जीरा को चटकने देते हैं। अब इसमें डालते हैं लहसुन जो हम काट कर रखे हैं, वो डाल लेते हैं और लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसमें आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। तो इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो देखिए अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालते हैं हरी मिर्च और इसमें डालते हैं अदरक जो हमने कूट कर रखे हैं। और अब इसे थोड़ी देर चला लेते हैं। अब इसमें डालते हैं साग। और साग हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से नीचे ऊपर करते हुए मिलाते हुए डालते जाएंगे। तो और थोड़ा डाल लेते हैं इसमें, ताकि हमें चलाने में आसानी हो और मसाले सारे साग में मिल जाए अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरह से चलाते हुए मिलाते जाएंगे। तो देखिए सारे साग मिला लिए हैं। अब बाकी का साग भी डाल लेते हैं और इसमें नमक डाल लेते हैं, ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए साग। अब हम ढक्कन लगाकर 1-1.5 मिनट पकाएंगे इसे। और गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं। तो लीजिए मैंने 1-1.5 मिनट पका लिए हैं। अब फिर से इसे चला लेते हैं। देखिए साग कितना कम हो गया है। तो अब इसे चला लेते हैं, नीचे ऊपर कर लेते हैं और फिर 1-1.5 मिनट इसे ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो फिर से ढक लिए हैं, अब फिर से 1.5 मिनट पका लेते हैं। तो देखिए मैंने 1.5 मिनट फिर से पका लिए हैं। अब हमारा साग ऑलमोस्ट पक चुका है। तो अब हम हाई फ्लेम पर इसे 1 मिनट और ढककर पका लेते हैं, ताकि इसका नमी सूख जाए। एक मिनट हाई फ्लेम पर पका लिए हैं, साग हमारा पक चुका है। अब साग को 1-2 मिनट इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे बिना ढके ही। तो लीजिए मैंने साग को 2 मिनट बिना ढके ही भून लिए हैं मीडियम फ्लेम पर। साग हमारा तैयार हो चुका है। देखिए कितना खिला खिला साग बना है। बथुआ का भुजिया ऐसा ही होता है, हमें गलाना नहीं होता है साग को। देखिए इस तरह का होता है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए मैंने साग को सर्व कर लिए। इसके ऊपर लाल मिर्च हरी मिर्च पकाकर डाल सकते हैं, जिसको खाना होगा वो लेकर खा सकते हैं। और ये साग को आप किसी भी मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे पूरी, पुलाव, पराठे, रोटी, नान, किसी भी डिश के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ये साग बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी